आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रीना नेगी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल रीना एंड फैमिली व्लॉग्स में। तो आज की मेरी सुबह की शुरुआत हो रही है सुबह 9:30 बजे से, और आज है संडे तो रिदु के पापा की छुट्टी तो है नहीं, ऑफिस की तो है पर उसके पापा ऑफिस की गेम से जा रखे हैं बाहर, और दीदी और भी इधर है। आज हम लोग जाएंगे मार्केट पल्टन बाजार थोड़ा बहुत शॉपिंग करने। पक्का पक्का नहीं है अगर रिदु के पापा जल्दी आ गए तो पक्का पक्का नहीं है। तो अभी हम लोग कर रहे हैं नाश्ते की तैयारी, और दीदी ने यहाँ पे बना दिया है प्याज के पत्ते होते हैं जो उसका लगड़ी, जैसे गढ़वाल में लगड़ी बोलते हैं, और लगड़ू लगड़ू और हिंदी में बोले तो चीला। तो तोड़ दिया और ये रिद्धू यहाँ पे उल्टे काम कर रहा है, कुछ काम तो सही कर नहीं रहा, उल्टा तोड़ फोड़ कर रहा है। तो भैया तो भैया बाहर गाड़ी धुल रहे हैं अपनी, और काना सिमीन नहा रही है शायद, काना अंदर फोन पे लगा हुआ है, इसकी दादी भी कुछ कर रही है शायद, शायद दादी बाहर देख रही हैं, दादाजी सुबह सुबह गुम हो गए हैं। तो चलो अब हम लोग नाश्ता बना लेते हैं, उसके बाद जैसे रिद्धू के पापा आएंगे उसके बाद मार्केट निकल जाएंगे। तो अभी हम लोग मार्केट जाने के लिए निकल गए हैं, यहाँ पर सिमी बैठी हुई है आगे, दीदी और रिद्धू। हाय गाइस, हाय गाइस, इधर से शॉर्टकट तो नहीं है ना कहीं? ना ना सीधा आगे, हाय गाइस, वही है ना चौक पे। हाँ यहाँ पे भैया गाड़ी चला रहे हैं, तो चलो चलते हैं अब सीधे मार्केट में। तो हम लोग पहुंच गए हैं मार्केट, और रिद्धू भी खाना तो आया नहीं, भैया भी पार्क कर रहे हैं गाड़ी। तो चलो चलते हैं मार्केट की तरफ, गेट खुलता है 10, 11, 12, देखो ना अब खुली रही है दुकानें। सर्दियों में पहनो जल्दी। हाँ तो सर्दियों में वही ना, 200 के 200 के 200 के। धंधे काम कर रहा था, ये फिट आएगा आपके, एक बार ट्राई कर लो ठीक है ना। हाँ मैं कोई यही छोड़ के जाऊँ, लो बिगड़ा कहीं का, उल्टे काम कर रहा है। आप अपने लिए भी देख रहे हो दीदी? दीदी यहाँ पे सिमी के लिए ले रही है अभी कोट। तू कहाँ जा रहा? बाय, अब तुझे जुजू खाएगा वहां। देखो ना भैया मारेंगे अभी, दे दो चूहा है उसके अंदर, चूहा आ जाएगा, चूहा चूचू चूचू आने वाला। देखो घर में आपके लिए रूल पहनूंगी, दोनों दोनों साथ साथ अब ऑप्शन में रखूंगी ना। था हाँ अच्छा लग रहा थी, दिया साड़ी में नहीं दिया, अच्छा लग रहा है। भैया कितने का है ये? ऐसी में कुछ और होगा भैया? तो हमने ले लिया है सिमी और दीदी के लिए कोट, और एक जगह से स्वेटर भी। तो आज तो संडे के दिन बहुत भीड़ है मार्केट में, और ये तूने हम सबको परेशान कर दिया आज। हाँ अपनी कैब भी खो दी थी बड़ी मुश्किल से मिली, वही पता नहीं कहाँ नीचे घुसा रही थी। चलो अभी और शॉपिंग भी करते हैं, देख रहे हैं अभी घंटा घर आ गया बस सामने, घंटा ठीक 12 बजे घंटे में। दीदी कितना खर्चा हो गया आपका? मतलब
अभी मैंने अपनी पॉकेट से एक पैसा भी नहीं निकाला। कहाँ जा रहा है? वहाँ नहीं, चलो मामा के पास चलो। सीढ़ी नहीं जाना। इस सब दुकानों में घूमने पे लगा, परेशान कर दिया, इसलिए अब मैंने इसे ऐसा रख दिया। अब ये ऐसे घूमेगा। यारे पल्टन मार्केट में पैर डालने की भी जगह नहीं हो रही। ले रहे हैं भैया और अपने लिए जूते। तुझे लेसेस वाली चाहिए? बिना लेसेस वाले नहीं, ऐसे नहीं, मतलब बिना, जैसे भैया बाहर पे देख रहे थे ना वैसे। सब ले ले फिर। पाँच ठीक है। क्या चाहिए है? जूते चाहिए? तेरे ले रखे हैं। दीदी दीदी पहनेगी अभी दीदी। क्या चाहिए रिदू? रिदू रिदू क्या चाहिए? वो चाहिए दिखा दो। वो अपनी साइज कही दिखा। क्या है ये? क्या है ये? तुझे पहननी है ये वाला ना थोड़ा सा। बेटा दूसरा वाला लेके आ, दूसरा वाला। पहन नीचे रख। तेरे को कौन सा चाहिए बता? ये वाला? कैसे लग रहे? अभी दूसरे भी ट्राई करना है। अभी यहाँ देखो अरे तो अपने लिए भी यहाँ जूते देख रहा है। वाह वाह दीदी। तो मैं और सिमी आ गए हैं अभी गाड़ी में सामान रखने, क्योंकि बहुत भारी हो रहा था हाथ पे। इसके बाद थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे, उसके बाद निकलेंगे सीधा घर के लिए। अभी कहाँ जाए? अभी हम लोग आ गए हैं बाजार से और सारी शॉपिंग हो गई। और चाउमिन वगैरह भी खा ली हमने अभी, और भी रखी है यहाँ सब भरा हुआ है और यहाँ जूस वगैरह भी रखा हुआ है। तो अब निकलेंगे सीधा घर। गाड़ी चला रहे हैं और ये यहाँ रितु अपनी बुआ के साथ बैठा है। हाँ सीधा ही निकलना आगे। तो चलो अब सीधे चलते हैं घर की तरफ।
पहुंच गया हमारा बिद्दू यहाँ पे तो अभी हम घर पहुंचे वाले बड़े मामा तो ऋतु की जो बड़ी सेकंड दूसरे नंबर वाली बुआ जी हैं तो उनके हस्बैंड मतलब भैया भी आ रखे हैं यहाँ और यहाँ जेठी और डागरा रहते हैं जो वो भी आ रखे हैं तो मैं और आ रखे थे पर हमको बाजार से आने में लेट हो गई तो वो निकल रहे हैं चलो वो बाहर जा रहे हैं तो छोड़ने चाहते हैं बाय पता नहीं कथा वाले तो अभी दीदी सबको चाउमीन लेके आए थे हम वो दे रही है उसके बाद खाना देंगे अभी दीदी के पापा भी नहीं आए बाहर सब जो सामान लाए थे वो रख रहे हैं अभी तो अपने मामा जी के साथ कोल्ड ड्रिंक पी रहा कोल्ड ड्रिंक पी रहा और दो बस भैया मम्मी बुला रही बोल बाय इसको देखो ना इसको रितु बाय 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 रितु बाय और सबने चाय पी ली और अब अनु की चाय की हेडिंग सेटिंग देख रहे इसको देखो ये तौलिया बाहर लेके आ गया वहां देखो मामा बाय कर दे प्रणाम कर दे प्रणाम बाय 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 मामा तो तू जा रहा तू भी जा बाय तू भी जा चॉकलेट वाल चॉकलेट लाना भाई बाय तो कर दे बाय कर दे नहीं पास है अच्छा ठीक है नहीं अच्छा ठीक अच्छा नहीं ठीक है ओके बाय चले जाना मार्केट है शॉपिंग करने बाय ए बाय ऐसा कर इधर को कर रहा अरे उधर को कर पा कर बाय 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 ये तो बाय कर दे बाय चले गए बुआ गई अभी अनु दीदी और भी चले गए हैं भैया भी चले गए हैं सब चले गए हैं तो अभी तक मेरे दुखे पापा आए नहीं तो वो पता नहीं कब तक आएंगे तो मैं अभी कपड़े कर देती हूँ चेंज क्योंकि मार्केट से सीधे आने के बाद हमें 3 बज गया था तो हमने सीधा खाना खाया जो सास जी ने बना रखा था तो चलो पहले फटाफट चेंज कर लेती हूँ फिर ऋतु को भी चेंज कर लूँगी और फिर दिन के जो खाने के बर्तन हैं वो धुल दूँगी अभी मैंने यहाँ पे रोटियाँ भी बना दी है और सास जी ससुर जी को मैंने रोटियाँ खिला दी है अब मैंने उनके लिए यहाँ पे रखा है दूध गर्म करने के लिए और इसमें मैंने डाली हुई है चाय पत्ती क्योंकि वो नॉर्मल दूध नहीं पीते हैं मतलब खाली बिना चाय पत्ती वाला दूध नहीं पीते हैं क्योंकि ससुर जी को खांसी होती है तो मलाई वाले दूध से खाली दूध से उनको कफ जम जाता है इसलिए सास ससुर जी को वैसा वाला दूध दूंगी चाय पत्ती वाला तो अभी थोड़ी देर में इनके लिए भी रोटी बनाऊंगी इनके लिए और अपने लिए दोनों के लिए रोटी बनाऊंगी और फिर हम लोग भी रात का खाना खाएंगे चलो एक बार पहले सास जी और आपको दूध दे देती हूँ और फिर अपने लिए भी खाना बनाऊंगी और
आज के ब्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर आज का ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।